नमस्कार साथियों, आज भाई हम बात करेंगे क्वारंटाइन। सऊदी अरबिया से प्लेन में बैठ के राजस्थान पहुंचे और रोडवेज में अटके। जी हाँ साथियों, सऊदी से पहुंचे रोडवेज में अटके, इसी मैटर पे हम बात करने जा रहे हैं। अभी मैं राजस्थान के जब भी साथियों वीडियो बनाता हूं तो कुछ हो सकता है कि सरकार के, जिसको बोल सकते हैं कि उनको पसंद नहीं आता कि हम सरकार की बुराई करें, उनको कोई मतलब नहीं है। बाढ़ में जाएं आप लोग, विदेश में जाने वाले कितने भी परेशान हो, नीचे आप कमेंट देख सकते हैं ना, आप सर झूठे वीडियो मत बनाया करो, हम तो परेशान नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये दो हैं, इनको अच्छा रिस्पांस मिल गया तो इसको ये लगता है कि ये भी सही है, इसको रिस्पांस मिला है। एक आदमी को सब कुछ मिल रहा है, एक को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये क्या बोलता है, नहीं इसको भी सही मिल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जब भी मैंने राजस्थान से रिलेटेड, क्वारंटाइन से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, सर झूठे वीडियो क्यों बनाते हो, राजस्थान सरकार तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको अच्छा मिल गया। क्वारंटाइन सेंटर अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, कुछ सुविधाएं अच्छी मिल जाती है। मैंने एक वीडियो डाला था कंपैरिजन में कि एक जगह बहुत अच्छा मिल रहा है, एक जगह देखो नहाने की साबुन भी नहीं मिल रही है, तो लोग बोलते हैं सर जी ऐसे झूठे वीडियो, जबकि वीडियो है सामने, लोग क्वारंटाइन में तबाह हल्ला हु हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं दिखता। बस सरकार की बुराई नहीं होनी चाहिए, आज हम भी सरकार की बुराई करेंगे भाई, रोक सको तो रोक लो हमें, और अगर आप अपने मजदूर भाइयों के हित में ही हमें बोलने से रोक रहे हो तो आप जैसा मूर्ख इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। बता दूं, कल रात सऊदी अरबिया से एक फ्लाइट आई, जी हां साथियों, रात को 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट पे उतरी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कि जो विदेशों से आते हैं उनको राज्य स्तर पे आइसोलेट करना होता है, ठीक है, उनको अपने अपने जिलों में भेजना भी, अभी तक कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं बनी है कि उनको भेज दो, लेकिन कुछ स्टेटों के राज्य ये करने लग गए। हमारे गहलोत साहब काफी सारे लोगों को अपने अपने भेज रहे हैं अपने जिलों में। जी हाँ, अब ये क्या हुआ कि रात को 1 बजे जयपुर से फ्लाइट उतरी, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई उनकी जांच नहीं हुई, पुलिस की एक दो गाड़ियां दे दी और रोडवेज बसें, आपको पता चल तो रही नहीं है, वो खड़ी हैं जयपुर सिंध कैब में, उनको बोला एयरपोर्ट पे जाइए, वहां से उनको भरो और सीधा उनको सीकर पहुंचा दो। अब सीकर में आ गए जी, सीकर में कोई व्यवस्था नहीं है आगे, उन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया अपना, राज्य सरकार ने आदेश दे दिया अधिकारियों ने कि सीकर पहुंचा दो, वो अपने आप व्यवस्था करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये भी होता कि चलो सीकर पहुंचा दे तो आगे फ्लाइट तो तय थी, मंजूरी सरकार 15 दिन पहले दे देती है कि वहाँ फ्लाइट पहुँचने वाली है, टाइम शेड्यूल पहले बन जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ये बंदे आएंगे, 150 बंदे 150 बंदे आएंगे, इनको कहाँ आइसोलेट करना होगा। लेकिन नहीं जी, वहाँ उन्होंने रोडवेजों में भर के प्रवासी मजदूरों को सीकर भिजवा दिया, सीकर में कोई व्यवस्था नहीं, सीकर से प्रशासन ने आदेश दिया खाटू श्याम जी भिजवा दिया, यानी 15 घंटे लग गए। अब खाटू श्याम जी में गए, वहाँ पे लोगों को पता लगा कि भाई विदेशों से दो गाड़ियाँ भर के आई हैं यहाँ पे रोडवेज, तो उन्होंने हंगामा कर दिया, क्योंकि बंदे प्रवासी हैं, बस से निकल के इधर उधर घूमने लगे, तो पता है भाई कोई नहीं महत्व देता आपको, कोई आपको पसंद नहीं करता कि आप हमारे पास, उन्होंने विरोध कर दिया कि यहाँ कोरोना विस्फोट करवा दोगे आप, तो समझ रहे हो बात को, तो वहाँ पे फिर विरोध हुआ तो सबको बस में बिठा दिया, 5-6 घंटे रोडवेज में फिर बैठे रहे, यानी पूरे सुबह 10:30 बजे तक रोडवेज में बैठना पड़ा रात के आए हुए वर्करों को, नहीं कोई खाना, नहीं कोई पीना, नहीं कोई सोना, चाय पानी कुछ नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं। 10:30 बजे महास से जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, स्वास्थ्य कर्मी आप अधिकारी बोल सकते हो, वो वहाँ पे पहुँचे, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रात की गाड़ी आई हुई खड़ी है, फिर भी वो 10:30 बजे पहुँचते हैं, ड्यूटी भी शायद 9-10 बजे से स्टार्ट होती होगी, लेट पहुँचे, उनके बाद में उनकी कमरा सफाई करवाई। जी हाँ साथियों, 10:30 बजे स्वास्थ्य अधिकारी पहुँच के कमरे की सफाई करवाते हैं, फिर उनकी खाने की व्यवस्था का, फिर बोलते हैं कि आप व्यवस्था करो, फिर वो व्यवस्था करने में कितना टाइम लग जाता है भाई, उनमें में भी 80-90 प्रवासियों को रखा, बाद में बाकी के हो सकता है उनको रिटर्न कर दिया होगा, जो सीकर के थे ना उनको रखा है, बाकी थे उनको वापस भेज दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर बोल रहा है, आप बाकायदा रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं। फिर नगरपालिका को बोला, वो उनका खाना तैयार कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, फिर उनकी जाँच की जा रही है, तो क्या मतलब होता है इन चीज़ों का, ये लापरवाही। कल को वो 90 आदमी है, वो 2-3 भी कोरोना पॉजिटिव अगर हो जाते हैं, पहले से होते हैं तभी तो होते हैं ना जांच में, तो अगर वो तो सब एक जगह हो गए, फिर वो 2-3 भी अगर पॉजिटिव निकलेंगे तो सबको खराब नहीं हो जाएंगे वो, ये सिस्टम है भाई हमारी सरकार का, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का। अब लोग तो नीचे कमेंट करते रहते हैं, वो तो एक तरह से मतलब ऐसे हो जाते हैं अंधे कि नहीं जी हमें सही मिल रहा है तो सबको सही मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता, वो किस्मत वाले हैं कि जिनको ठीक ठाक मिल जाता है।
बाकी ये सिचुएशन है भाई, आप देख सकते हैं। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।